धन्यवाद। सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं। अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर, तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको अपने से ज्यादा मतलब नहीं। वाह खान सर, हमने सुना है आप 5 स्टार में रुके थे कल और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेहड़ी पे। गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है, कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का UPSC, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। सीरियल तो और ससुराल चौपट रहता है, देखो सीरियल में समझे में नहीं आता। अच्छा एक चीज कभी गौर कियो, सीरियल में ना हीरोइन जो होती है सब, यानी जो उसमें वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब, आदमी सीरियल में झुंझुना रहता है। आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा, उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी, अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म काम उसका, सीरियल खत्म, बाकी सब महिला। अच्छा तू खाना बनाई है, नमक झोंक देगी जा। आदमी का काम खत्म, बस लैपटॉप खोलो टाई लगाओ खत्म कहानी। बाद में आएगा घरे तो देखेगा मम्मी अलगे मुंह फुलाई है, पत्नी अलगे रो रही है, परेशान रहता है। तो सीरियल में तुम तो मेल का कैरेक्टर देखने, बेचारा इसको लिया काहे है, चुपचाप बेचारा एकदम नहीं जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बेचारा पिसा जाता है यहाँ से, किसी को दिक्कत? आप लोग भी पिसाइएगा, इसलिए डे वन से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा। डे वन से पहले दिन से तुम लोग एकदम समझ में आता है। तुम्हारा उम्र कितना है अभी? तो तुम बोल दिया, पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया। टैडी दे, टैडी दे, चुप पीछे घूम, पीछे पीछे उधर। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। आगे तुम हम लोग को तो याद रखियो भैया, हम बजरंग बली के बहुत बड़का वाला, हमरा से हमने ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात, हमारा दिमाग जल जाता है। ये भारत की संस्कृति है बाबू, ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहाँ हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं वो लोग। हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसी से ओके, वहां फादर डे मनाओ, क्योंकि याद ना आता हमारा फादर कौन है। तुम मम्मी से पूछो, मम्मी
2013 में तुम किसके साथ शादी की थी? ओहो, जॉन डिसूजा, उसके बाद विक्टर। हम बोले ना, लड़का के लिए क्या होना जरूरी है, कामयाब। लड़की के लिए चल, लोग बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। यार यार, शादी शुदा लड़की नैहर से ससुराल जाती है तो मेकअप करके जाती है, उसको ही पता है वैल्यू। आगे और चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर जगह चल जाएंगे क्योंकि बेडरूम में घुस जाइएगा। अरे आज जाके कह दीजिए खान सर बोले तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, कचर के मारेगा। अगला स्टेशन कैंट एरिया है, वसंत विहार। जिनके पास इस स्टेशन पर उतरने का कार्ड ना हो न उतरे, और आपके पास कार्ड नहीं है, उतर गए, अरे चल ना घूम के आते दूसरे का मेट्रो से, तो वहाँ बैठा रहेगा सर आर्मी वाला, धो देगा सर। अगले मेट्रो में आप जाएंगे नहीं, पहुँचाए जाएंगे। घर में भी देखिएगा ना, महिला हड़ताल करेगी तो बोलबे नहीं करेगी दीदी। सुपनेखा भी तो महिला थी, नहीं थी, और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे। उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है, नकिया काट दिए थे। सुपनेखा का नहीं पता है। देखो, लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं, लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया। कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। ये डर उनके डीएनए में घुस गया है। कौन जी कहती है नहीं सर, कौन लड़की करती है प्रपोज? इस सबको समझो में नहीं आता है, कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। कहा नहीं सर, तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है, अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे, हाँ, मारता है तो क्या हो जाता है, पूरा उसका ब्रेन ही गड़बड़ा जाता है, समझा गया कि नहीं? गलत दे, बहुत खतरनाक। दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। एक्चुअली मैजिक भी है। क्या जरूरत है भैया पिटाने की, इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया, आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, कोनो लड़की के चक्कर में फरवा के चलेंगे, क्या हो गया फिर? लाइव वाले सब समझ रहा है, हाँ, ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है सर, ये उधर हंसता है सर, ये कैसे हंसता है सर पता है, इमोजी बना देता है सर। डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती, और गुस्से आएगा तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई। कभी कभी बैच वैच लेट हो जाता है ना, गुस्से आकर इसे बोलता है सो।